अभी हमने रिसेंटली जनरल गायनी जो है खत्म किया है, तो व्हाट इज योर फीडबैक अबाउट जनरल गायनी? बुरी बातें कर लें, कोई जरूरत नहीं, अच्छी अच्छी बातें करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक शुक्र अल्लाह का, आप कैसे हो मोहम्मद? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन मसला ये है कि मैं बहुत पीछे रह गई। आपका कॉन्ट्रासेप्शन वाला लेक्चर जो मुझे कभी भी नहीं समझ में आया, अभी अल्लाह का शुक्र है आपके लेक्चर्स के बाद मुझे तो मैं काफी रिलैक्स हूँ। मैंने कहा शायद मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊंगी ना, उसके बाद रेजिडेंसी के बाद एग्जाम भी नहीं दे पाऊंगी। दो अटेम्प्ट दे भी चुकी हूँ, परेशान बहुत। फिर मैंने आपका थियोरी कोर्स ज्वाइन किया, अल्लाह का शुक्र है मैं तो काफी पीछे हूँ बहुत, लेकिन सेटिस्फाइड हूँ, हो जाएगा कवर इंशाल्लाह। नहीं आप पीछे नहीं हो, आप इन्फेक्शन से स्टार्ट कर लो, तो जनरल गायनी हम एंड पे थैंक दोबारा कर लेंगे, तो आपकी अच्छी इंशाल्लाह रिवीजन हो इंशाल्लाह। जाएगी। जी जी मैडम, इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आपके मैडम इतने अच्छे लेक्चर्स हैं। वो HMB और फाइब्रॉइड वाला जो व्हाट्सएप पे नबीरा ने भेजा था, वो मैंने कोई मतलब 25 मिनट्स वाला 60 मिनट मतलब पीछे कर करके लिखा, अभी सुना भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पूरा जो है ना एग्जाम के हिसाब से है बिल्कुल। अगर बुक्स, मैं तो पर्सनली बुक्स नहीं पढ़ सकती बच्चे के साथ, क्योंकि जब भी खोलती हूँ आ जाता है या रोता है, फिर मैं ऐसा होता है कि एयरफोन्स लगा देती हूँ और फिर आराम से सुनती रहती हूँ। वो सो भी जाता है तो आवाज़ भी नहीं होती और मुझे समझ में आ जाता है, मेरा मसला हल हो जाता है। चलें, सो नाइस आपके ऊपर सच अ गुड फीडबैक। और बाकी थैंक यू लोगों का सर। क्या फीडबैक है? व्हाट अबाउट अदर्स, एनीवन, अच्छा ना भी हो, कोई सजेशन हो, यू कैन ऐड एनीथिंग। ऑनकोलॉजी पे क्या फीडबैक है? दोज हु हैव टेकन दैट मॉड्यूल, वो तो बहुत शुरू में आ गए थे ना बच्चे। अस्सलाम वालेकुम मैडम, अंबर बात कर रही। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक मैडम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सो एनी मैडम मैंने सजेशन, भी फीडबैक? जी बस यही कहना था कि बीच में ही मैंने भी ज्वाइन किया है। कॉन्ट्रासेप्शन और फाइब्रॉइड मिस हो गया था, वो आप पहले कवर करा चुकी हैं। आप जैसे कह रही हैं एंड पे करवाएंगी तो इट विल बी अ ग्रेट फेवर, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ नहीं आती कॉन्ट्रासेप्शन तो खास तौर पर। बिल्कुल, हम तो उनको भी कर चुके हैं ना, तो आप कहेंगी मैं तो लेट हूँ। यू आर नॉट लेट, अब स्टिल एग्जाम अगस्त में है, स्टिल वी हैव 5 मंथ्स। हम तो मल्टीपल सर्किट्स ऑफ रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? और हम जब तक टिल लास्ट डे हमारे 3-4 रिवीजन नहीं हो जाती, ये जो है मॉड्यूल रिवाइज होती रहेंगे, आप इसमें ऐड होते रहेंगे। जो बच्चे पहले ज्वाइन कर रहे हैं वो रिवीजन करते रहेंगे, जिन बच्चों ने जैसे अभी ज्वाइन किया है, लेट्स सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, तो जनरल गायनी हम एंड पे करेंगे, और जिन्होंने कर लिया तो उनकी रिवीजन हो जाएगी। और ऐसा नहीं होगा कि बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, जिस दिन आपने ज्वाइन किया है उससे एग्जैक्टली 3 मंथ्स के बाद आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, ठीक है? तो इससे मुझे भी ईजी हो जाता है, स्टूडेंट्स को भी ईजी हो जाता है। हम मॉड्यूल वाइज सेपरेट ग्रुप्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइज रहता है स्टूडेंट भी और माइंड भी, आपका स्टडी मटीरियल भी, आप नोट्स भी इसी तरह बनाते हैं कि एक मॉड्यूल में रहते हैं, तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो नो वरीज, आपकी सब चीजें कवर होंगी, हाँ एंड पे होंगी जी क्योंकि जी लोगों की इंशाल्लाह पहले हो गई हैं, बट होंगी जरूर, टेक माय वर्ड्स। चलें, तो ये जिस सेशन, ये जो हमारा ग्रुप स्टार्ट हुआ है इन्फेक्शन से, हम हमारे जो है थर्ड बैच हमें ज्वाइन कर रहा है, तो कोर्स की ड्यूरेशन 5 मंथ्स है, सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट होगा, ये भी नहीं कि कुछ छोटा टॉपिक भी मिस हो जाए। और इसमें जो एडिशनल बात है ना, वो है टॉपिक वाइज रिकॉल्स। ऑल्दो मैं अपने लेक्चर्स में ऐड भी करती हूँ कि ये क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे तंग करेंगे, और मैं सेपरेट से भी बताती हूँ कि व्हेन यू आर अपेयरिंग इन योर थियरी तो इसको ऐसे अप्रोच करना है, बट दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम क्लिनिकल व्यू, तो आपने ऐसे करना है। तो आपको वो प्रॉपर टॉपिक जो है ना, वो हर लिहाज से कवर हो रहा होता है, लेकिन फिर भी नाउ आई हैव एडेड टॉपिक वाइज रिकॉल्स एज वेल। जैसे CMV आपने टॉक सो करना है, और जब हम ये 4-5 टॉच कर लेंगे तो आपके 4 क्विजेज होंगे इन्फेक्शन के, जिसमें आपका इंटायरली जितने भी रिकॉल्स आए हैं वो कवर हो जाएंगे। और सिफिलिस का मैं अलग बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सेपरेट है, यूनिक है और डिफिकल्ट है और इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक वाइज रिकॉल्स, लेट्स सपोज हमारे 50 या 60 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना,
तो हम हमारे 50-60 इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज रिकॉल्स भी होंगे, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक होते हैं उन पे नहीं बनेंगे, फिर वो कंबाइन आ जाएंगे। रिवीजन सर्कल्स भी होगा। जी जी मैम, जो आप स्मार्ट कार्ड शेयर करती हैं उससे वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं? नहीं, वो स्क्रीनशॉट ही ले सकते, क्योंकि जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप लिखते ही नहीं हो, एक तो बात ये है, दूसरा ये कि फिर वो पूरे फेसबुक पे फिर रहे होते हैं तो इसलिए स्क्रीनशॉट जो है वो ना लेना आपके लिए भी फायदेमंद है, और ऑब्वियसली मेरे लिए भी, इतनी मैं एफर्ट कर रही हूं कि वो चोरी हो जाते हैं तो आपने वो देखने हैं और आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स में वो पॉइंट्स ऐड करने हैं, एंड दैट्स इट। बस आपकी जो असल चीज है वो तो आपके हैंडमेड नोट्स है ना, जितनी मर्जी किताबें आप पढ़ें अगर आप कहीं लिख नहीं रहे तो यू आर डूइंग नथिंग। तो हाँ, टॉपिक वाइज रिकॉल के साथ मैंने स्मार्ट कार्ड्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि आपने लेट्स सपोज सीएमवी तो सुन लिया, नोट्स भी बना लिए, ठीक है, लेकिन आप क्विकली उसको गो थ्रू करना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं बिफोर योर एग्जाम, तो वो भी आराम से आप ओपन करें कार्ड्स को। यू वॉन्ट टू रीड सीएमवी, ग्रुप ओपन करके मीडिया में जाएं, सीएमवी पढ़ लें, ठीक है। तो इस तरह जो है आपको 50-60 कार्ड्स भी हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। तो बाय गिविंग लेक्चर्स, बाय प्रोवाइडिंग यू कंसाइज एंड क्रिस्प नोट्स, एंड बाय सॉल्विंग ईच टॉपिक थ्रू रिकॉल्स, इसके बाद 3 रिवीजन सर्किट्स, बिलीव मी, अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट भी करते हैं ना तो आई विल नॉट ब्रेक दैट ट्रस्ट, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता। दिस इज माई 4th ईयर, मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन, और नाउ आफ्टर 4 ईयर कॉन्टिन्यू स्ट्रगल आई एम एबल टू गिव माई बेस्ट। एक कम्पैक्ट फॉर्म में मैं कोई थ्योरी सेशन जो है अब मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैं ये अभी अवेलेबल है, अभी रेडी है इन इट्स यू नो मैच्योर फॉर्म। और इंशाल्लाह अगर आप इन्हीं एडवाइसेस को अमल करते हैं, टॉपिक डेली कंप्लीट करते हैं और ट्रस्ट करते हैं, और जैसा मैं कहती हूँ यहाँ से पढ़ना है और ऐसे आता है, नोट डाउन करते हैं, तो सक्सेस इज सर्टन। बाकी तो फिर अल्लाह मियाँ जो है, आपको पता है जितनी इंसान एफर्ट करता है वो कभी रायगा नहीं जाती। इफ यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, के बारे में थोड़ा पूछना था। MCQ जो हमारा हुआ था अभी फेब में हुआ था एग्जाम, और अगस्त वाला आपसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि आप अलग से मतलब बुक बनाएं, क्योंकि हमने पहले ही जो है ना स्पेशल एडिशन ले चुके हैं, तो अभी तक वो अवेलेबल नहीं हुआ। अभी तक तो पेपर प्रॉपर अवेलेबल नहीं हुआ। नहीं, अगस्त का, अगस्त वाला कह रही अभी जो रिसेंटली पेपर हुए 2021 के, वो स्पेशल एडिशन में है। अब 2022 का जो फैब में पेपर हुआ है वो भी स्पेशल एडिशन में ऐड हो जाएगा या फिर प्रॉपर एडिशन में लॉन्च हो जाएगा, बाय एनी मीन आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैडम हम एक स्पेशल एडिशन ले चुके थे ना, उसमें अप्रैल तक तो पेपर्स थे, उसके बाद वाले चाहिए, अगर आप अलग से बना दें तो। अच्छा, मेरी बात सुनिए, आपने अप्रैल में ही लिया होगा ना, तो हाउ आई कैन ऐड कमिंग पेपर इन दिस, वो तो पेपर हो जाएगा तो ऐड होगा। आप ये चाह रही हैं जो अप्रैल तक आपने लिया है वो आपके पास है, अब जो नेक्स्ट हो उसमें अप्रैल का ऐड ना हो बल्कि वो डिफरेंट हो ताकि कॉस्ट लो हो जाए। जी जी मैडम, बिल्कुल एग्जैक्टली, सजेशन बहुत अच्छी है, बट इसके लिए ना थोड़ी सी मैन पावर, थोड़ी सी प्लानिंग चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये पॉसिबल है, ये हो जाएगा, नो वरीज। थैंक यू मैडम। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी और दिस रोलर कोस्टर जर्नी है तो रोलर कोस्टर ही, कुछ लोगों को फास्ट लगता है लेकिन फास्ट तो लगेगा ना, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, 3 मंथ्स में अगर हम रोज़ एक टॉपिक भी करें तो 3 मंथ्स कम है। मैं तो फिर भी इसमें 2-3 दिन टॉपिक्स छोटे छोटे करके इम्पोर्टेंट बना के 1-2 रेस्ट डेज दे के मॉड्यूल ख़त्म करके 2-3 रेस्ट डेज करके मैं करवा रही हूँ, लेकिन अगर हम सिर्फ एक टॉपिक एक दिन करें तो 3 मंथ्स कम पड़ जाएंगे। आगे मैं बताती हूँ कि इनको कैसे टैकल करना है, कि टाइम भी जो है कंप्लीट टाइम पे भी कंप्लीट कर लें टास्क, और एग्जॉस्ट भी ना हो, और आपको ये भी ना लगे कि आप बहुत स्पीडी हो रहे हो, ठीक है। ये बातें मैं आपको आगे एड्रेस करती हूँ। मैं आपकी ग्रुप में बातें सुन रही थी,
आप कह रहे थे मैडम बहुत फास्ट है, ऐसे नहीं हो रहा हमसे, लेकिन आप लोग तो आज का दिन देख रहे हो ना, मैं आपका वो दिन भी देख रही हूँ जब आप एग्जाम देना है और आपका आपके पास जस्ट 1 महीना है, ठीक है? तो बिलीव मी, जैसे मैंने बोला है आपका ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट रखें आप, आपका से टॉपिक कवर नहीं होता आप छोड़ दें, मूव ऑन, नेक्स्ट टॉपिक करें, क्योंकि मैंने 3 रिवीजन्स करवानी है, तो जो आपके टॉपिक्स हैं ये कवर हो जाएंगे, लेकिन आप जब मैं जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप वो नहीं कर रहे, आप पिछली वाली चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर तो यू नो रूटीन ही ब्रेक हो गई, आपका जो मोमेंटम है वो ही ब्रेक हो गया, क्योंकि जब हम टीम के साथ भागते हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं, अकेले भागेंगे तो फिर थक जाती हैं जल्दी, फिर तो कोई ना डायरेक्शन है ना मोटिवेशन है, तो टीम नहीं छोड़नी आपने, टॉपिक छोड़ दें, ठीक है? दूसरा राउंड लगाएंगे फिर वो टॉपिक पकड़ लेंगे, तीसरा राउंड लगाएंगे वो टॉपिक पकड़ लेंगे, ओके। अच्छी बात ये कि बंदे का ना एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, मुझे पता है एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, स्पेसिफिकली जो अभी एग्जाम आया था इसमें काफी चीजें ब्रेस्ट और यूरेटर की आउट ऑफ डोमेन आई थी, नहीं आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कहने से कि नहीं आनी चाहिए तो ये तो मसले का हल नहीं है ना, मतलब वो आती ही रहेंगी, आप देते ही रहोगे, आप बोलते ही रहोगे और आप नहीं कर पाओगे, तो आपने कुछ ना कुछ सोल्यूशन की तरफ जाना है। कंप्लेंट तो हर बंदा करता है, 100 लोग खड़े हैं सड़क पे, वो सब कंप्लेंट कर रहे हैं, ये यहाँ से टूटी हुई है, ये यहाँ इशारा लगना चाहिए, यहाँ से राइट टर्न होनी चाहिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न करनी चाहिए, बट जो भी 2-4 लोग होंगे वो सोल्यूशन भी ढूंढेंगे, चलो ये हमारे पास अवेलेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो हाउ टू यूज देम बेस्ट, आपके आपका जो एटीट्यूड है ये ऐसा होना चाहिए, चलो ठीक है यूरेटर आ रहा है ब्रेस्ट आ रहा है तो कोई मसला नहीं है यार, वी आर डॉक्टर्स, वी कैन हैंडल दिस वन टू, इतना सिलेबस किया है तो ये ब्रेस्ट भी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? और द रीजन इज दैट ब्रेस्ट और जो यूरेटर के इशूज हैं, यूरेटर के इशूज तो सेक्शन में, हिस्टेक्टमीज में और ऑनकोलॉजिकल सर्जरीज में इतने होते हैं, वो हम लोग ही क्रिएट करते हैं, तो CPSP वांट के हम लोग इसमें इतनी स्किल्स हमारी हों कि हम ये क्रिएट ना करें, और हमारी सोसाइटी में ब्रेस्ट भी सर्जन का मसला नहीं है, मोर और लेस ये एक फीमेल का मसला है, फीमेल डॉक्टर का, जो कि ज़्यादा तादाद में गायनी में होती हैं, ठीक है? तो ये CPSP का एटीट्यूड है, तो आप ब्रेस्ट और यूरेटर पर तवज्जो करें, इसको आउट ऑफ डोमेन जाके भी पढ़ेंगे हम, चलें। जिनके जो रिपीटर्स हैं, मैंने रिपीटर्स के लिए इंटायरली सेपरेट सपोर्ट ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें उनका प्रॉपर प्लान चल रहा है, डेली 50 रिकॉल्स कर रहे हैं एट नो कॉस्ट, उनको मैंने उनका जो अभी अगस्त का एग्जाम, अभी फैब का जो एग्जाम था पाकिस्तान का, वो मैंने सॉल्व करवाया है, और साथ एक उनका जो है मोमेंटम भी देख रही होती हूँ कि ब्रेक ना हो, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू यूर स्कोर एंड यूर डेफिशिएंसी आपने चलना है, ये मेरी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है मेरे रिपीटर्स के लिए, या रिपीटर्स ग्रुप में सिर्फ मेरे ही रिपीटर्स नहीं है, जहाँ भी दुनिया भर में जो FCPS का एग्जाम जिसने दिया है वो उसी ग्रुप में है, तो उन सबके लिए मेरी एडवाइस है कि आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स, अगर आपका स्कोर बार बार रिपीट हो रहा है तो आप बार बार वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, तो आइडेंटिफाई करें जो पर्टिकुलर डोमेन्स आपकी वीक हैं, यूरेटर वीक है, इसको मैच्योर करें, ब्रेस्ट वीक है इसको मैच्योर करें, ऑनकोलॉजी वीक है या ऑनकोलॉजी की रिकरेंसेस वीक हैं इसको मैच्योर करें, इन्फेक्शन की इंटरप्रिटेशन नहीं समझ आ रही कि ये एनोमली टॉक्सो की है, ये CMV की है, ये रुबेला की है, ये वेरिसिल्ला की है, या ये वारफरीन की है, नहीं समझ आ रही, नो वरीज, कोई ना कोई तो हैक होगा ना, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, अपना टाइम लगाएं इस पर, ठीक है? इसको मजीद बेहतर करने पर सोचें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हाउ मैनी टाइम्स यू विल गिव, you will stay at the same point and you will be repeating the same mistakes and you will be repeating the same percentage. Dusri baat ye hai ki jo areas aapke weak hain, bajaye iske ki aap kahein ki ye 30-90 days hain aur maine ye 10 din mein onko karni hai, 10 din mein maine medical disorder karni hai, ye aapke liye nahi hai, aapko shayad sirf 30 days urinator ke liye chahiye, 30 days onko ke chahiye jo aapki weak hai, according to your own weakness apna plan banaye, theek hai? Recalls, SBAs, इनको इंटायरली इन पे ट्रस्ट मत करें, इनमें 5 की 5 कीज भी खराब होती हैं, अब आपने तो सबसे कम खराब चूज करनी है, अब जो सबसे कम खराब है वो स्टैंडर्ड थोड़ी है, वो हर एक के पे तो नहीं लगा सकते, तो आपने लॉजिकली पूल को ब्रेक करना है, और इसमें कोई डाउट नहीं है पूल से पेपर आता है, अभी भी 80% अगस्त का पेपर पूल से था, लेकिन पूल डिफरेंट, मतलब ऑप्शन डिफरेंट थी, बजवर्ड्स थोड़े चेंज हो गए थे, अगर अच्छे अंडरस्टैंडिंग से नहीं पढ़ोगे तो पूल
करने से कोई फायदा नहीं है. हाँ अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और पूल भी प्रैक्टिस किया है तब फायदा है. तो 70-80 लोग पास हुए हैं, दे ऑल आर इन माई क्लिनिकल कोर्सेज. मेरी डे बाई डे डेली उनसे बातें होती रहती हैं. दे आर रियली नाइस पीपल, इनकी क्लिनिकल अप्रोच बहुत अच्छी है. तो ये जो चेक उन्होंने क्रॉस किया है, आपसे आगे गए हैं बिकॉज दे आर डिफरेंट फ्रॉम यू. उन्होंने अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया और आगे गए हैं. अंडर लल्लेस आप मिस्टेक्स को इम्प्रूव नहीं करोगे ना, आपको ब्रेक्स लगती रहेंगी. थीरी में लग गई, समहाउ थीरी में चले गए तो क्लिनिकल में लग गई, तो ये लगती रहेंगी. और अगर सब कुछ भी कर लिया ना तो कंसल्टेंट बन जाओगे, फिर सीपीएसपी के फिर वेरियस जो है ये इनकी पीपीएससी की पोस्ट आएंगी या वेरियस यूनिवर्सिटीज की पोस्ट आएंगी, वहाँ इंटरव्यूज होंगे, वहाँ रह जाओगे. तो भाई पढ़े बगैर, अच्छे कंसेप्ट के बगैर ना गुजारा ही नहीं है इस फील्ड में. ठीक है ओके. स्ट्रेट नहीं पढ़ना, अब वो दिन नहीं है कि आप कहें भाई सीएमवी पढ़ना है तो चलो सीएमवी की किताब खोली, गाइडलाइन खोली, एक वर्ड जो है फर्स्ट वर्ड स्टार्ट किया या पेज वन से स्टार्ट किया और पेज 10 तक पढ़ लिया. दिस इज नो स्ट्रेट रीडिंग, इसको कोई फायदा नहीं है. यू कैन नॉट ड्राइव एनी इंफॉर्मेशन. आपको पता हो कि इसमें प्रॉब्लम कौन सी है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के थ्रू पढ़ें. जैसे मैं कहती हूँ ना टॉपिक के साथ टॉपिक वाइज रिकॉल जरूरी है. टॉपिक तो पढ़ लिया, अब इसमें से आया क्या था और पूछा कैसे, और फिर दोबारा पढ़ोगे तो फिर समझ आएगा. अदरवाइज स्ट्रेट रीडिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती. ओके थीरी का जो है हमारा ग्रुप. अच्छा इसमें हम इन्फेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं. सबके लिए मेरी एडवाइस है ईबीएम और ड्यूहस्ट. इफ यू आर रीडिंग ईबीएम एड ड्यूहस्ट टेबल्स, इफ यू आर रीडिंग ड्यूहस्ट एड ईबीएम टेबल्स. टेक्स्ट बुक बहुत जरूरी है फॉर सीपीएसपी. क्योंकि ना आप टेक्स्ट बुक जो है ना वो बहुत शुरू से समरी बना के चलती है, और जो गाइडलाइंस होती हैं दे आर जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशंस. आपकी समरी नहीं बनती पीछे. तो सिर्फ गाइडलाइन पढ़ के तो फेल हो सकते हो, और ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ ईबीएम पढ़ के भी फेल हो जाओ. पास कैसे होंगे, दोनों को नाइसली कंबाइन करके. दोनों ही जरूरी हैं, बट अगर मुझे कहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर सीपीएसपी इज योर टेक्स्ट बुक. अभी भी जब अगस्त का पेपर सॉल्व जिन्होंने किया है या जो करेंगे ऑब्वियसली, तो दे कैन इजीली यू नो फील द डिफरेंस कि कितने क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं. अटेम्प्ट हो ही नहीं सकता जब तक आप उसको क्लिनिकली असेस नहीं करते हैं, या आपकी क्लिनिकल सेंस वर्क नहीं करती या किसी ने डेवलप नहीं की. ठीक है तो इन्फेक्शन के लिए आई विल रिकमेंड के मेरी समरी बुक है. रिकमेंड नहीं कर रही भाई, मर्जी है तुम लोगों की, बट इसमें सारे इन्फेक्शन जो कि हर जगह बिखरे हुए हैं ना, छोटे छोटे इन्फेक्शन हैं. कहीं आपको एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी वाले इन्फेक्शन मिल रहे हैं, कहीं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर टॉर्च वाले मिल रहे हैं, कहीं आपको इन्फेक्शन पीआईडी में जाके एसटीडीज मिल रहे हैं, कहीं क्रॉनिक पेल्विक पेन में जाके आपको क्रॉनिक पीआईडी मिल रहा है, एंडोमेट्रियोसिस मिल रहा है. ठीक है कहीं यूरोगाइनी में जाके आपको यूटीआई मिल रहा है, तो कहीं ट्रेटोजेनिक ड्रग्स में जाके आपको ट्रेटोजेनिक सिंड्रोम्स मिल रहे हैं, तो या कहीं आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग्स में एनियोप्लाइटिस मिल रही हैं, तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है. तो इसीलिए अगर एक समरी बुक हो जो इन सबको एक ही जगह पर जमा कर दे और वो भी एग्जाम वे में, तो दिस इज इन्फेक्शन समरी बुक बाय इनसाइट. मेडहोम की बुक है ये. तो इन्फेक्शन के लिए ये है. मेडिकल डिसऑर्डर और यूरोगाइनी के लिए भी एक सेपरेट बुक है. हर मॉड्यूल को कम अज कम 10-15 दिन देनी है. जैसे अभी हमने प्रीवियसली इन्फेक्शन किया, सॉरी जनरल गाइनी किया, वो हमने 2 वीक्स में किया है. और ये सबसे लंबा था, तो इसका मतलब है बाकी हमारे 10-15 दिन में आराम से कवर हो जाएंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन. अब ये वी वर सपोज्ड टू स्टार्ट इट फ्रॉम 1st March, लेकिन आई हैव गिवन 2-3 days ताकि आप लोग जनरल गाइनी को अच्छे से क्लोज कर सके, रिवाइज कर सके, हमने नोट्स बना सकें. इसलिए हम आज day 3 पे पहुंचे हुए हैं. लेकिन नो वरीज, टोक्सो सीएमवी आज ही हो जाएगा, रुबेला और हरपीस फैमिली कल हो जाएगी, तो हम इजिली इसी प्लानर को फॉलो कर रहे होंगे. इसके लिए अगेन रेफरेंस बुक जो है ईबीएम और इनसाइट समरी है. ठीक है बट सिफिलिस के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगी बैश कर लें, फिर 6th day को रेस्ट डे आ जाएगा, फिर हम सारे सेप्सिस और पारेक्सिया एक ही दिन कर लेंगे. सेप्सिस और पारेक्सिया ईबीएम से हो ही नहीं सकते अकेले, उनके लिए गाइडलाइन बहुत जरूरी है.
इसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगी गाइडलाइन, लेकिन गाइडलाइन के भी मैं कार्ड्स बनाऊंगी, सारी नहीं पढ़नी, जो इंपॉर्टेंट है वो। फिर इसी तरह फीटल पायरेक्सिया एंड सेप्सिस, इसी तरह यूटीआई और उसकी एंटीबायोटिक्स, ये तो उन्होंने तो कुराम मचाया हुआ बट ईवीएम काफ़ी है इसके लिए। मलेरिया एंड डेंगी, कोविड 19 एंड एचआईवी हमने किया है अभी। जिन्होंने एचआईवी का लेक्चर लिया था वो कहाँ है? मैं इस लेक्चर को बनाने के लिए 2-3 दिन आई हैव टू वर्क। मैंने एक दफ़ा लिया पहले सेशन में, लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सेकेंड सेशन में भी लिया, नॉट सेटिस्फाइड। फिर फाइनली आई वॉज ऑन इट के एंड वॉज डेवलपिंग अ बेस्ट पॉसिबल वे कि एचआईवी किसी तरीके से ना बहुत ईजी हो जाए। इतना डिफिकल्ट लग रहा है ये, मुझे भी लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि ये मदद खुदा। तो फिर फाइनली जो है संभल गया एचआईवी। अब आपके लिए बड़ा ईजी होगा, 30 मिनट का लेक्चर है और सारा एचआईवी कवर हो जाएगा। कोविड-19 की रीसेंट गाइडलाइनें करनी पड़ेंगी, पिछले 2 साल से मुसलसल कोविड-19 आ रहा है एग्जाम में और टॉक्स में ज्यादा आ रहा है। फिर हेपेटाइटिस से ABCDE तक, इसके लिए ABM ही काफ़ी है, ठीक है। STDs, PIDs और वेरियस टाइप ऑफ डिस्चार्ज के लिए EBM, DHUST, EBM करें, DHUST के टेबल्स करें, या DHUST करें, EBM के टेबल करें, और साथ में ऐड कर दें समरी बुक इनसाइट की। देन रेस्ट डेज, रिवीजन, देन नेक्स्ट मार्क रोल। जी, एनी अदर फीडबैक सजेशन? अभी कोई क्यूरी है तो पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम मैडम। हमें जो ऐड किया गया था वो वाइवा और स्केटोक्स के लिए किया गया था मैडम, ये थ्योरी की क्लास है? हाँ, थ्योरी की क्लास है ये। आप लोगों ने कहाँ से लिंक लिया है? पता नहीं मैडम, नबीरा को मैंने किया था कि जो क्लास वो कह रही है कि क्लास चल रही है, उन्होंने शेयर किया। उसको समझ नहीं आई होगी, लेकिन आप स्टे करें क्योंकि इन्फेक्शन एनोमलस फिटस कैन कम इन शॉर्ट केसेस। अभी तो हमने लास्ट वीक किया भी है, बट आपकी अप्रोच और कॉन्फिडेंट हो जाएगी। आई विल रिकमेंड स्टे कर लें, अब सुन लिया है तो। और स्टे करने के बाद इनफर्टिलिटी पे क्लास आप कब लेंगे? ये जो वाइवा रिलेटेड बातें हैं आपको मैं बाद में बता दूं, क्योंकि अभी तो थ्योरी के बच्चे हैं, उनके टाइम वेस्ट होगा अगर हम वाइवा की बातें करते हैं। ठीक है नायला, नो वरीज, आपके ग्रुप में अपडेट भी कर दूंगी। वैसे मैंने अपडेट कर दिया है, इनफर्टिलिटी जो है नेक्स्ट टॉपिक है, और की असाइनमेंट्स भी आप लोगों को जिस दिन में लगाई हैं वो भी मैंने पोस्ट कर दी हैं। कुछ बच्चों ने जमा करा दी हैं और आपने तो शायद जमा नहीं कराई अपनी। नो मैडम, मैं अभी 2 दिन हुआ है ज्वाइन किए ना, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, नो वरीज, आई विल गाइड यू, नो वरीज। अच्छा, गोल्डन टिप्स थ्योरी के लिए ना मैडम। जी, वालेकुम सलाम मैडम, अरुषा बात कर रही हूँ मैडम। ये वाला जो लेक्चर है आपका, इसकी रिकॉर्डिंग हमें कल मिल जाएगी? क्योंकि हम लोग जो है ना ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो बुक में मेंशन नहीं होते, तो हम ताकि ऐड कर लें हम बुक के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डिंग चल रही है ना। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर हीरा, मैंने बिल्कुल अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे अभी बस ये गोल्डन टिप्स ही नजर आ रही हैं। बस यहीं से ज्वाइन करो, आगे मैं बताती हूँ क्या करना है। चले ठीक है, थैंक यू। ओके, चले लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अब देखें, आपने फर्स्ट रीडिंग की है, आपको 50% समझ आ गया, 50% जो बिगिनर है उनको मुझे पता नहीं समझ आना कुछ, और आप लोग 100% के चक्कर में है, तो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने की ना जरूरत ही नहीं है। खुद से इंसान ही हो ना, अगर चीजें आपके लिए नई हैं और यू आर डूइंग ट्रेनिंग या डूइंग वर्क, कहीं और काम कर रहे हैं, जॉब है, बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अगर आप 50% भी फर्स्ट रीड में कर रहे हो ना, मेरी तरफ से ये बहुत है, बिलीव मी। अच्छा, लेकिन एक काम करें, इंसिडेंसेस निकालना शुरू कर दें अलग से इंसिडेंसी बुक पे, क्योंकि एंड पे ये नहीं संभलेगा, हर चीज संभल जाती है, ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स नहीं संभलते। अभी भी IMM और FCPS के पेपर में इंसिडेंसेस आए भी हैं, और आए भी थोड़ा डिफिकल्ट वे में है ना, फोल्ड बना बना के, तो ये अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर आप 74 पे रह जाएं तो क्या आपका दिल खराब हो के एक MCQ पे रह गए,
तो हर चीज इम्पोर्टेंट है, हर पॉइंट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो इंसिडेंट्स लिखना शुरू कर दें. मतलब लेट्स सपोज इन्फेक्शन आपने स्टार्ट किया, इन्फेक्शन में आएंगे कि भाई सीएमवी पढ़ना है, टॉक्सो पढ़ना है, इसमें जितने भी इंसिडेंसेस हैं ये लिख लें अपनी इंसिडेंस की बुक में. बस इन्फेक्शन का जब खत्म होगा हमारा मॉड्यूल तो इन्फेक्शन के सारे इंसिडेंट्स आपके एक जगह पे होंगे. फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट होगा, फिर उसके इंसिडेंट्स लिख लें. तो इंसिडेंट्स की ना बुक की अलग कर लें, और सेकेंड रीड में जो 50% रह गया था वो पढ़ लें और 50% रिवाइज कर लें. ये जो सेकेंड रीड है ना, ये इसमें आप अपने आप को थोड़ा सा बेहतर फील करेंगे, बिलीव मी. और थर्ड रीड में जो है ना सारी चीजें रिवाइज भी हो गई हैं, और आपका माइंड चूंकि अब आपकी थर्ड रीड है तो यू कैन डेवलप योर एल्गोरिथम्स कि मेरी पेशेंट इस ऐसे आएगी तो मैंने ऐसे करना है, नेक्स्ट ऐसे आएगी तो ऐसे करना है ना. फिर आपके आपके खुद ब खुद नेचुरल एल्गोरिथम बन रहे होंगे माइंड में. और हर चीज ना लिखा करें, हर चीज ना हाईलाइट किया करें. अभी टोक्सो या सीएमवी आईबीएम से पढ़ रहे हो ना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही आती हैं. थोड़ी बहुत जो चीजें डिफरेंट हैं, जो आपको लग रहा है कि यूनिक हैं या ये इंपॉर्टेंट हैं या इतना वोलेटाइल है कि मैं भूल जाऊंगी, उन्हीं को हाईलाइट करें. और जितनी इम्पोर्टेंट चीज है ना उसको उतना ही जो है उस चीज से हाईलाइट करें कि नजर आए. मतलब येलो से कलर करें ना, येलो कलर ऐसा है, येलो हाईलाइटर ऐसा है कि वो अंधेरे में भी नजर आ जाता है. इसको आप लोग ग्रीन से या पिंक से करते हो हाईलाइट, वो देखने को भी दिल नहीं चाहता फिर. ठीक है, तो आपको पता होगा कि ऑल येलो इन माय बुक आर इम्पोर्टेंट. ऑल येलो कलर्स या ऑल येलो हाईलाइट्स इन माय बुक आर दोज पॉइंट्स जो कि मैं मेरे लिए वोलेटाइल है, मैं इनको भूल जाऊंगी. ठीक है, और जो सेकंड जो आपको लगता है सेकंड रीड में शायद कर लूं फिर पढ़ने ना पड़े, उनको आप लाइट ग्रीन से कर लें. आपकी कलर एसोसिएशन हो जाएगी, आपकी पेज मेमोरी डेवलप हो जाएगी, एंड यू कैन रिप्रोड्यूस एन एग्जाम इजीली. अच्छा देखिए, रिवीजन नहीं है ना, कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, बिलीव में हर चीज फोगी नजर आ रही होती है. अब आपने पढ़ना ऐसे है, अगर मैं इन्फेक्शन की ही मिसाल लूं कि आप क्रिस्टल क्लियर हो ड्यूरिंग यूर रिवीजन कि ये एनोमलीज सीएमवी की हैं, ये एनोमलीज रुबेला की हैं, ये एनोमलीज वारफरिन खा के आई है, ये एनोमलीज अल्कोहल की हैं, ये एनोमलीज जो हैं वेरिसिला की हैं, और ये तो सिफिलिस ही है. मतलब ऐसे वो आपको याद हो ना, तो ये कैसे याद होंगी? एक दफा आज सीएमवी कर लिया और कल सिफिलिस कर लिया, क्या ये आपको याद हो गया? नो, नहीं आपको याद हुआ. जब आप बैठे हो एग्जाम में या अपनी ओपीडी में, मरीज तो एनोमलीज के साथ आएगा, एनोमलस फिटस के साथ. तो वो ये नहीं कहेगा मैं सीएमवी हूँ, मैं टोक्सो हूँ. उस वक्त तो आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए ना. इट कुड बी ड्यू टू ड्रेटोजेनिक ड्रग्स, इट कुड बी ड्यू टू टॉर्च, इट कुड बी ड्यू टू सम एनीफ्लाइडीज, इट कुड बी जेनेटिक सिंड्रोम. अब मजा आएगा ना कि आप एक ब्रॉडर व्यू पे कंपेरिजन करके और आराम से उसमें से एक डिजीज निकाल लो. ठीक है, ये तभी निकलेगी जब आपकी रिवीजन अच्छी होंगी और आप चीजों को कंपेयर कर करके पढ़ोगे. अब आपको पता है सब में हाइड्रोकैप्लस हो रहा है, ये तो आप पिक ही नहीं कर सकते. हाइड्रोकैप्लस सीएमवी में भी हो रहा है, टोक्सो में भी हो रहा है, रुबेला में भी हो रहा है. ठीक है, हाइड्रोकैप्लस फोलिक एसिड नहीं खाया उसमें भी हो रहा है, हाइड्रोकैप्लस न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के साथ भी आ रहा है. तो नॉट हाइड्रोकैप्लस क्रोमोसोमल डोमिनेंट कुछ सिंड्रोम्स हैं उसमें भी आ रहा है. तो ये हाइड्रोकैप्लस आपको कैसे पता चलेगा कि ड्यू टू दिस सर्टन सिचुएशन है? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एसोसिएशंस होंगी, कुछ बजवर्ड्स होंगे कि हाइड्रोकैप्लस के साथ दो चीजें और आ रही हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टोक्सो में ही है, क्योंकि टोक्सो ही ऐसा है जिसमें हाइड्रोकैप्लस भी है और इंट्रा क्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी है और कोरियोरेटिनाइटिस भी है. तो ये वाला हाइड्रोकैप्लस तो टोक्सो का है. ठीक है, या ये हाइड्रोकैप्लस जिसमें स्पाइना बेपिडा कल्टा है, ये तो भाई न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का है. और ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का क्यों हुआ है? पेशेंट डायबिटिक है, डायबिटीज में होते हैं ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, क्योंकि उसका HbA1c कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा, मोटी होगी, PCO होगा. तो आपने ऐसे पकड़ना है. चलें, प्रैक्टिस पूल एज मच एज यू कैन, क्योंकि 80% आता तो है. अब उसको उसमें से पिक करना, ये आपकी अच्छी थीरी है, आपकी क्लिनिकल सेंस है. थीरी भी आपकी इंशाल्लाह इस कोर्स में अच्छी होगी, और क्लिनिकल सेंस तो मेरा जो है सबसे फेवरेट डोमेन है मेरे लिए. मींस अभी एक मेरे पास एक केस आया होगा, मेरी स्टूडेंट ही है, शी इज लाहौर के किसी बड़े अच्छे हॉस्पिटल में रेजिडेंट है.
जहाँ चूहे बिल्ली होते हैं काफी, वैसे तो हर हॉस्पिटल में होते हैं. शी वाज 30 वीक्स प्रेग्नेंट एंड शी गॉट एन ऑमली एंड आई आस्क्ड हर टू रिपीट टॉक्सो. आई टू टॉर्च के लिए कहा तो उसमें टॉक्सो रिएक्टिव आ गया और IgM भी ज्यादा था, IgG भी ज्यादा था. चलें वो तो टर्मिनेट हो गई. शी वांट टू कंसीव नेक्स्ट तो आई अगेन आस्क हर टू रिपीट. तो IgG जो है शुड बी राइजिंग. इनके IgG को अगर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एबिलिटी टेस्ट होता है, उतना ही क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है. और जितना क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है उतनी अच्छी बात है कि तंग नहीं करेगा. और टॉक्सो भी टॉर्च का पार्ट है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है. बट अगर एविडिटी लो है तो ये शी कांट कंसीव राइट नाउ, शी हैज टू वेट. तो ये आपके क्लिनिकल क्वेश्चन आ जाते हैं. चलें तो अपने क्लिनिकल सिनेरियोज भी सॉल्व करें और अपने जो है पूल को भी सॉल्व करें. तो आपके क्लिनिकल सेंस जो है वो तभी अच्छी होगी जब थ्योरी अच्छी है, बिलीव मी. अभी जब शॉर्ट केसेस आए हैं, पहली दफा आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो हेमाटोलॉजी में तो काफी 10 साल पुराने सिस्टम चल रहा है. तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ वाइवा पढ़ा रहे थे और बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, उनके कैंडिडेट पास भी बहुत हो रहे हैं. बिल्कुल आई अप्रिशिएट देम. क्योंकि रीजन ये थी कि देवर टीचिंग के भाई हर पेशेंट की VH होनी चाहिए 40 ईयर के बाद, और जिसके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो उन सब की जो है बर्श होनी चाहिए. क्योंकि एग्जामिनर माइंड कर जाता है कि 40 साल की उम्र की पेशेंट की यूट्रस रख के क्या करना. और साइक्रोसेरोपेक्सी टोन के एग्जामिनर को भी नहीं आती, उसने कभी नहीं देखी, तो आप बोलोगे तो वो पसंद नहीं करता, तो वो कहता है इसको वर्श कर दो क्योंकि उसको वो आती है. तो आपका एग्जाम कॉन्ट्रोवर्शियल बन के रह गया था. आप इंटरनेशनल इतना काम कर सकते एग्जाम दे के, क्योंकि आपकी जो जिस एग्जाम पे आप पास हो रहे हो वो सारी तुक्केबाजी है, ये आती है ये नहीं आती, ये बजट इफेक्टिव है, ये फलानी है, डमकानी है. अब ये नॉर्मलेस बच्चा है, इसमें टॉर्च क्यों कराना, क्योंकि ये तो वैसे ही डनॉर्मलेस है. और टॉर्च हुआ भी तो क्या फर्क पड़ता है, वो कौन सा रिकरेंट है, छोड़ो क्यों कराया, करा लिया तो भी तुम फेल हो. ये चल रहा था ना, और यही पढ़ाया जा रहा था. अब आपने ना अपने मेंटोर्स बड़े बड़े वाइज होके चूज करने हैं, और अपने सुपरवाइजर भी बड़े वाइज होके इन पे बिलीव करना है, ठीक है. क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ये एग्जाम है इसके जो विशेष सर्कल से ना तुम लोग निकलो और जल्दी निकलो, तो यू शुड बी वेरी वाइज. जैसे तुम कपड़े लेने जाते हो ना और तुम 10-10 दुकानें देखते हो कि इस पे क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं है. और अच्छे कपड़े कॉस्टली भी होते हैं खैर, लेकिन कितनी एफर्ट करते हो कपड़े पहनने के लिए. तो क्या इतनी एफर्ट आप लोगों को अपने करियर के लिए नहीं करनी चाहिए? मतलब हर सेटअप जो कि ट्रेनिंग कराना है करा रहा है, तो समहाउ आप उसमें एंटर हो जाओ कि चलो कोई बात नहीं 4 साल पूरे हो जाएं. तो वो 4 साल अगर वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं करवा रहा तो 4 साल पूरे हो जाएं तो 14 साल भी पूरे हो जाएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर एग्जाम, ठीक है. तो चूज योर ट्रेनिंग सेंटर्स, चूज योर सुपरवाइजर्स एंड सिमिलरली चूज योर मेंटर्स वाइजली. अब जो मेरी रिकमेंडेशन है, आप जिस मर्जी को चूज करें, लेकिन इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना कि डू नॉट ऑप्ट दैट सुपरवाइजर, डू नॉट ऑप्ट दैट मेंटोर जो थ्योरी कोर्स नहीं करा रहा, जो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, ठीक है. वरना फिर वो यही बातें करेगा कि टॉर्च नहीं कराना, सबकी VH कर दो, सबकी बर्श कर दो, और सबका फ्रोजन सेक्शन नहीं करना. फ्रोजन सेक्शन तो सिर्फ उसी पेशेंट का होगा जिसको हम मेलिग्नेंसी यंग एज में करेंगे सस्पेक्ट. और क्योंकि इसकी रीजन ये है कि वी कैन प्रिजर्व फर्टिलिटी, तो इसकी और तो इंडिकेशन नहीं है. तो तुमने क्यों मांगी पोस्ट मेनोपॉजल एज में जम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए फ्रोजन सेक्शन? तुम फेल हो भाई, हाउ डेयर यू आर. इस किस्म की बातें ना अब नहीं चलेंगी, बिल्कुल टोटल रबिश बातें. आप जब डीबल्किंग सर्जरी कर रहे हो, हाउ यू कुड कम टू नो कि आपने प्रॉपर सर्जरी सर्जिकल क्लियरेंस कर दी है, जहाँ आपकी सर्जरी खत्म हुई है डिस्क टिश्यू पे, अगर उस पे आप फ्रोजन सेक्शन लगाते हो, अगर स्टिल वहाँ एटीपिया और मैलिग्नेंट सेल है, तो इट्स मीन आपके रेजिडुअल टिश्यू बचा हुआ है. और पोस्ट मेनोपॉज़ल में ज्यादा जरूरत होती है डीबल्किंग की. तो जर्म सेल सिर्फ फर्टिलिटीज के लिए तो नहीं है इसकी इम्प्लीकेशन. तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो क्लिनिकल क्वेश्चन है, अब ये शॉर्ट केसेस हैं और इनकी कीज अब एग्जामिनर नहीं बना रहा, वो एग्जामिनर नहीं पढ़ा रहा बना रहा जिसने 10 साल पहले गाइडलाइन पढ़ी थी, या
पढ़ी है लेकिन उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा. अब कीज बन के आएंगी सीबीएसपी के थ्रू एंड दे विल बी यू नो एविडेंस बेस्ड कि उनकी कोनों को लॉजिक होगी. एनोमलस फिटस है रिकरेंस देखना, उसकी काज बताना एथिकली और प्रोफेशनली बाउंड है आप पे, चाहे फर्स्ट प्रेगनेंसी है चाहे टेंथ प्रेगनेंसी है, काज ढूंढनी ढूंढनी टॉर्च कराना ही कराना और उसकी रिलेवेंट हिस्ट्री पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली तभी कराना है. तो चाहे आप टर्मिनेट कर रहे हो चाहे कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर बाउंड टू टेल द काज ऑफ एनोमलस फिटस, वरना वो बंदी रिकरेंस के साथ आती रहेगी. ये प्रेगनेंसी तो मैनेज नहीं करनी ना, अगली वाली भी तो करनी है. तो एनोप्लाइटी है तो उसका भी रिकरेंस रेट है. और हर टॉर्च, चलो टॉर्च में जो है मैक्सिमम इन्फेक्शन जो हैं वो रिकरेंस नहीं कराते, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है. लेकिन वट अबाउट सिफिलिस, सिफिलिस की तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी नहीं है. तो आपका एनोमलस फिटस आया और वो सिफिलिस की वजह से था और आपने सिफिलिस को नहीं इन्वेस्टिगेट किया तो वो सेकेंड टाइम भी आ सकती है एनोमलस के साथ. ठीक है, तो ये जो पुराने कॉन्सेप्ट है ना ये भी छोड़ दें और पुराने मेंटर्स भी छोड़ दें जो के थीरी नहीं पढ़ा रहे. जो कोई भी मेंटर थीरी पढ़ा रहा है ना आई वो रिलायबल है क्योंकि वो पढ़ रहा है. ऑब्वियसली वो पढ़ रहा है तो बेचारा वो पढ़ा भी रहा है. और ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, मेरे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो थीरी पढ़ा रहे हैं और क्लिनिकल कोर्सेज भी करा रहे हैं. ठीक है, तो अब आपने थोड़ा वाइजली अपने फ्यूचर को देखना है. चलें ये एल्गोरिथमिक अप्रोच अभी जान की ब्रेक ले लेते हैं. तो हम थे कि हमने एल्गोरिथम बनाने, एल्गोरिथम आपके बनेंगे ही तब जब आपकी थर्ड रिवीजन होगी, या कुछ एल्गोरिथम तो खैर बने बनाए बुक में होते हैं वो तो आप आराम से यूज कर सकते हैं. लेकिन ना एल्गोरिथम में जो आपसे मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आपने देखना है जो आप रिकॉल सॉल्व कर रहे हो उसमें आप खड़े कहाँ हो. मतलब अगर मैं मिसाल लूँ, लेट्स सपोज कार्ड प्रोलैप्स की, तो सबसे पहले यही करना है कि कार्ड को अंदर रख दिया और सिंडो बंद कर दी और लेफ्ट लैटरल करा दिया. तो आपके एमसीक्यू में कॉर्ड प्रोलैप्स आ गया तो आपने फटाफट देखा कि इसमें लेफ्ट लैटरल है तो आपने लेफ्ट लैटरल कर लिया, या उसमें यह कॉर्ड रिप्लेस कर दें तो वो कर दी. तो ऐसा नहीं है. अगर एमसीक्यू में लिखा हुआ है कि कॉर्ड प्रोलैप्स है और वो बता रहे हैं फिटल हार्ट रेट खराब है और पेशेंट फुली है, तो आप एल्गोरिथम में वहां खड़े हैं जहाँ लेफ्ट लैटरल हो चुकी है, जहाँ फेटल हार्ट रेट भी चेक हो चुके हैं, जहाँ बिशप भी हो चुका है. अब आप खड़े हो कि आपने क्या करना है, सेक्शन या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी. यू कांट चूज के रिप्लेस कर दें कार्ड वजाइना में, या यू कांट चूज के आप लेफ्ट लैटरल कर दें और आप कॉल पर हेल्प भी नहीं कर सकते. वो सब चीजें हो चुकी हैं ना. आप अपने एमसीक्यू को पढ़ें, आप सोचें मैं इस एल्गोरिथम में कहाँ खड़ा हूँ, मैंने आगे जाना है. तो एल्गोरिथम भी बड़े वाइजली पढ़ने हैं. ऐसे वही क्लिनिकल सेंस की बात है जो कि इंशाल्लाह वी विल मैच्योर. और ये मैच्योर कैसे होगी, प्रैक्टिस कर करके. ठीक है, रिकॉल्स को जैसे हम टॉपिक वाइज करेंगे इंशाल्लाह उसके थ्रू, और जब आप लेक्चर सुनेंगे उसके थ्रू, और डेफिनेटली यू विल पास इट. तो एक तो एल्गोरिथम बनानी है, दूसरा ना आपको पता है आज कि आज मार्च है, मार्च गुजर गई तो बस गुजर गई. मार्च के बाद पता है अप्रैल भी आएगा, अप्रैल भी गुजर जाएगा, फिर मई आएगा वो भी गुजर जाएगा, फिर जून आएगा वो भी गुजर जाएगा. लेकिन बिलीव में जुलाई भी आएगा जब आपने हर चीज को रिवाइज करना है. और अब आप ये वो दिन महीना है जब आप सोच रहे हो कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि मैंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहीं लिखने थे. अब एक महीने में मैं क्या कुछ रिवाइज करूँ, कितनी बुक्स पढ़ूँ, और मैंने तो बड़ा कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने तो इतनी एफर्ट की हुई है, अब तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा और रिवीजन का तो टाइम ही नहीं है और एग्जाम मेरा 20 दिन के बाद है. तो जुलाई भी आएगा बच्चों, अगस्त आ रहा है तो जुलाई की तैयारी अभी से करनी है. वो याद है ना एक वो गुलहरी और थी और उसकी एक फ्रेंड थी और वो बेचारी सारे दिन काम करती थी और वो सारे दिन मस्ती करती थी. तो फिर उसने कहा तुम अपने लिए अनाज और खाना पीना कर लो, सर्दियाँ आएंगी तो फिर तो कुछ नहीं मिलेगा. तो उसने कहा नहीं 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 कोई मसला नहीं है. और फिर सर्दियाँ आ गई, बर्फ पड़ गई तो फिर कुछ भी नहीं मिला. एंड तो फिर ये बर्फ भी पड़ेगी तो मैं उस दिन के लिए आपको तैयार कर रही हूँ. प्लीज मेक यूर रिवीजन नोट्स, अपनी लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स प्रिपेयर करें. सीएमवी टॉक्सो या रुबेला में हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं है. इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये दोनों डायग्नोज कैसे होंगी, इन दोनों पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, किसने एमनियोसिंथेसिस कराना और कब कराना है, किसकी टर्मिनेशन करनी है, इनकी स्पेसिफिक एनोमलीज क्या है, हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट. सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है एट द एंड ऑफ द स्टोरी, बस यही इम्पोर्टेंट है. ठीक है,
तो रिवीजन आपने अपनी अच्छी, जिसकी अच्छी रिवीजन है ना वो बच्चा सही है। रिवीजन के लिए वो सारी चीजें नहीं करनी होती, मैंने बोला ना हाईलाइट्स करें इम्पोर्टेंट चीजों का, मुझे येलो हाईलाइटर पसंद है तो मुझे पता है जो जो चीज येलो हाईलाइटेड है ना ये वो चीज है जो कि मैं बहुत जल्दी भूलती हूँ, तो मैं पूरी बुक में से सिर्फ येलो पॉइंट्स पढ़ने में क्या देर लगेगी। अगर मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, चलो प्लान बी ये होना चाहिए कि हाईलाइट ही वो चीज कर लें जो इम्पोर्टेंट है ना कि हर चीज, तो कलर कोडिंग करें। ओके, इंसिडेंसेस के लिए दो ऑप्शन है। वैसे तो मैं खुद भी ऐसी स्टूडेंट नहीं थी, मैंने कभी ये काम नहीं किया, तो मैं फिर भी रिवाइज तुम लोगों को कह रही हूँ, लेकिन अच्छा तरीका है वो ये है कि लेट्स सपोज वी आर डूइंग इन्फेक्शन, आपने सीएमबी, टार्च, सिफिलिस, रुबेला, वेरिसिला और जितने भी अदर इन्फेक्शन हैं उनके इंसिडेंसेस लिख लिए हैं अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज, लेकिन ना आपको फिर लगेगा कि यार 1% इंसिडेंस सीएमवी में कहीं आया, तो यही सेम इंसिडेंस टॉक्स में भी कहीं आया था तो मुझे तो भूल गया। तो आप पता क्या करें, जो भी 1% इंसिडेंस आया है ना इस इन्फेक्शन में उनको लग ही रख लो कि 1% 1% 1% 1% ये सारे 1% वाले हैं, तो अभी ना आपके माइंड में भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हमारा माइंड ऐसा नहीं है कोई आपकी कबर्ड की तरह जिसमें हर चीज ठोंसते रहो और जब खोलोगे तो हर चीज मिल जाएगी। हम अगर रखेंगे तरतीब से नहीं तो निकालेंगे भी तरतीब से नहीं। चले तेरी बुक्स तो ईबीएम, आई लव इट। ईबीएम में मसले हैं, ये अकेले नहीं पढ़ सकते। कॉन्ट्रासेप्शन में इसने बड़ी कबाड़ मचाई है, इसने ऑनकोलॉजी में बहुत मसला करती है, लेकिन स्टिल लवली बुक है। तो इफ यू आर रीडिंग इट विद यू नो विद अस तो फिर ये सेफ है, वरना ये सेफ नहीं है। बाकी समरीज है, ड्यूहर्स्ट है, ड्यूहर्स्ट अच्छी बुक है, लेकिन ना पूरा ट्रायल बताने के बाद ये नहीं बताते कि करना क्या है ना, ये इसकी सबसे बुरी बात है। तो ये भी हम बता देती है कि करना क्या है एक्चुअली ना। 10 टीचर पर एमसीपीएस एक दफा रिवाइज जरूर करें, और शाज है, शाज नहीं करनी, हाई रिस्क नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है शाज की, हाई रिस्क की, नथिंग। अच्छा, ये दो लवली किताबें हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं ना वो ईबीएम पे टिके रहे, पास हो जाते हैं, बड़े लोग पास हुए हैं, अब उन लोगों को यकीन नहीं आएगा कितने लोग पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं, ये मेरा ओबीजी कंसल्टेंट का ग्रुप है, ये कितने लोग हैं कितने लोग हैं ये 319, ये पास हो गए हैं ना, तो आप भी हो जाओगे, और 99 ने ईबीएम ही पढ़ी है, ठीक है। तो वेयर वी वर, तो ईबीएम पढ़ लें एंड विद अस हैं तो ठीक है, और अगर हमारे साथ नहीं भी हैं तो फिर इसको थोड़ा कॉशियसली पढ़ना है। इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं प्रीविया की, प्रीटर्म लेबर, पी प्रॉम, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ठीक है, और कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन, ये टॉपिक ऐसे हैं जो कि ईबीएम से कवर नहीं होंगे, और मजे की बात यह है कि वो ड्यूअल से भी नहीं कवर होंगे, और अच्छी बात यह कि जब गाइडलाइन पढ़ेंगे तब भी नहीं कवर होंगे जिस तरह ईसीपीएसपी पूछती है। तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन, अच्छी सी टीम बना लें, ठीक है, जिसमें 2-4 बच्चे क्लिनिकली स्ट्रांग हो, आर जॉइन अस। चलें, एसबीएम मैडम, ये जो अभी आपने जो आपने ईबीएम के टॉपिक्स बताए जो कि ईबीएम से अकेले में हम ना पढ़े, तो मतलब अगर आप उसका हमें लिस्ट बना के दे देना, हमने तो वैसे भी तेरी ज्वाइन की है मगर फिर भी हम कॉशियस रहे ना, क्योंकि पिछली बार मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता कि कॉन्ट्रासेप्शन में इतना मसला है, वो जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन था तो मुझे पता ही नहीं था कि ईबीएम में इतने, आई विल मेक लिस्ट, तो इसलिए तो फिर आप तेरी ग्रुप में प्लीज वो कर ले ताकि हमें पता हो कि ये वाले टॉपिक हम बिल्कुल मैं पोस्ट कर दूंगी। देखिए अभी जनरल गायनी में मैंने आप लोगों को बताया ना कि एडोलेसेंट गायनी अगर कहीं से हो सकती है ना तो वो सिर्फ ड्यूहर्स्ट है, इट इज नॉट ईबीएम, तो मैं बताती रहूंगी। एडोलेसेंट गायनी जो है ना ड्यूहर्स्ट में भी डेफिशिएंट है, जिस तरह के एमसीक्यूज आते हैं वो उधर भी कुछ भी नहीं लिखा मैंने, वो
प्यूबर्टी, वो जो दोनों जो उसके वो देखे थे वहां, तो कुछ भी नहीं आया उसमें, वो तो कुछ और ही एमसीक्यू आया था उसमें. मतलब वो जो पूरी बात होती है ना, वो इवन रिकॉल में से भी उसका आंसर नहीं था ड्यूअर्ट्स में. परक्यूशियस प्यूबर्टी का मतलब इवन एनोमली उसमें भी कुछ नहीं. चैलेंज कर रहे हो आप मुझे? आप मुझे चैलेंज कर रहे हो? मैं चैलेंज नहीं कर रही. मैं नहीं, आप एमसीक्यू बताओ, मैं तो मैं अभी एबीएम अभी डिवोर्स से निकाल के देती हूं. आप सही कह रही है, लेकिन बस बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस हुआ. मैं बताती हूँ मुझे ना समझ नहीं आ रही थी कि मैस एब्डोमेन जो है वो हेमाटोकॉल्पस की वजह से हो सकता है. मैं हेमाटोमिट्रा की चूज कर रही थी, लेकिन दिल में था कि भाई कैसे हेमाटोमिट्रा कैसे मैस हो सकता है. एंडोमेट्रियम या की कैविटी तो नॉन प्रेगनेंट में है ही 4 ml, और 4 ml का कोई मैस होता है? लेकिन समझ नहीं आ रही थी. और आपका एट्रीजिया का क्वेश्चन भी आया था अगस्त में, उसमें की यही थी हेमाटोकॉल्पस या एट्रीजिया, तो वो कहाँ से मिली थी मुझे? वीवो से मिली थी, और मैंने वो शेयर भी की थी. और प्रीकॉक्सिस प्रॉपर्टी सेंट्रल पेरिफेरल सबसे अच्छी रिव्यूस में, ईबीएम ने तो टच ही नहीं किया. और डीएसडीज कितनी अच्छी लिखी है. और वो जो आप कर रहे थे मलेरियन एजेंट, वो क्या था, गुनेडल एजेनेसिस में यूट्रस होती है या नहीं होती है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ था. ये ड्यूहस से निकला. तो ड्यूहस को अगर आप पढ़े ना डिलोसेंट गाइनी के लिए, तो ये अच्छी बुक है. हाँ, यूट्राइन एनोमलीज में थोड़ी डेफिशिएंट है. यूट्राइन एनोमलीज में ये बिल्कुल डेफिशिएंट है. मैम आप बस ये फेवर करें ना, क्योंकि हम लोगों ने तो ईबीएम मैक्सिमम लोगों ने किया है, तो अब ईबीएम जहाँ पे डेफिशिएंट है, तो मतलब कौन से टॉपिक हम गाइनी के मतलब ड्यूहस से करें, और कुछ गाइडलाइंस जो भी है मतलब ते मतलब. और दूसरी बात ये मैडम कि आपने जो तेरी वाला ग्रुप है उसमें अभी मैं वो कार्ड्स कर रही थी, तो उसमें स्क्रीनशॉट नहीं होता. मतलब वो हम प्रिंट आउट करते हैं ना फिर अपने लिए, तो स्क्रीनशॉट भी नहीं होता ना वो उस तरह, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. इतना इतना हलवा खाने की जरूरत? मैडम एफर्ट करो मैडम, वो लिखो इतना ज्यादा नहीं. काम देखो मैं बता चुकी हूँ, आज मेहनत नहीं करोगे तो फिर हर अटेम्प्ट में मेहनत करोगे. एक ही दफा कर लो मेहनत. अच्छा मेरी फ्रेंड है, मेरे पास ही नहीं होती. मैं 3 साल हो गए हैं, मैं हमेशा कहती हूँ इधर आ जाओ उधर आ जाओ, कहती नहीं अब बच्चे बीमार हैं, अब हस्बैंड ठीक नहीं, अब सास बीमार है. हर दफा अटेम्प्ट देती है, हर दफा तंग होती है. मैंने कहा यार तुम सोचो 3 साल से मुसलसल तंग ही हुए जा रही हो ना, फीसें भर रही हो, और एक सब हम सब बन गए हैं, आगे चले गए हैं, तो अकेली पीछे रह गई हो, तुम्हारे सरकमस्टेंसेस हैं, तो हमारे भी यही सरकमस्टेंसेस हैं, तो तुम एक दफा ही क्यों नहीं इस मुसीबत को जिंदगी से निकालती? गिव योर बेस्ट एट वंस. तुम आ जाओ इधर लाहौर और मेरे घर रही, फिर तैयारी करवाई और फिर निकली भी. तो हर देखो हर चीज ना स्ट्रगल के साथ सेक्रीफाइस से होती है. ये वो एग्जाम है जिसमें सेक्रीफाइस करोगे तो वर्थ गिविंग है. आगे मेरी बात सुनो, तुम लोग एफसीपीएस की ट्रेनिंग करके एमओ की जॉब करोगे, कितना बुरा लगता है ना एमओ की जॉब करना. तो ये जिस दिन ये डिग्री मिलेगी ना तुम लोगों को एमएस की, एमसीपीएस की, एफसीपीएस की, उस दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही चेंज हो जाएगा, तुम्हारी जॉब की सिलेक्शन ही चेंज हो जाएगी. अगर इस पर अब इन्वेस्ट करते हो तो पूरी उम्र ही तुम्हारी अर्निंग है ना. यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन मेक योर ओन सेटअप, यू कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ. तो यही क्या टिकना, तो एक अपनी सारी जो है मोमेंटम इधर लगाओ, एक ही दफा लगाओ, और बस एक ही दफा लगाओ. वो क्या कहते हैं ना, वो कौन सा था सिपा चला जिसकी फौजें थोड़ी सी ढीली थी, उसने उनकी कश्तियां चला दी. उसने कहा आगे लड़ो या मरो, ऑप्शन कोई नहीं है. तो पीछे तो जा नहीं सकते, पीछे समंदर है, तो आगे भी लड़ाई है, तो फिर लड़े हैं वो और वो जीते हैं. चलो सीबीएसई हेल्पिंग बुक्स जो है ना पूल की, इराटा के साथ बहुत जरूरी है. कोई रिकॉल वो दुनिया में आज तक ऐसी नहीं है जिसमें गलती ना हो, ठीक है? सिर्फ इनसाइड को ना बदनाम करो. ओके बाकी हर बुक में गलती है, लेज में, प्री टेस्ट में, हर बुक को केयरफुली पढ़ना है, ठीक है? या फिर डिस्कस करें ग्रुप में, या फिर क्रैश कोर्सेज तो बने इसीलिए होते हैं, दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन चला रही है. तो लेकिन ये बात यह कि क्या वो सही इराटा दे रही है. जी जी मैडम आपसे पूछना है कि जैसे आपकी एक इन्फेक्शस और ऑन्कोलॉजी की वो है, मैंने उसकी बहुत तारीफ भी सुनी है, मैं लास्ट टाइम तो नहीं उसको पढ़ सकी, तो इस बार मैं वो पढ़ना चाहती हूँ. वो बुक मुझे यहाँ पे मैंने 2-3 बुक शॉप से पता है कि अवेलेबल नहीं है, मुझे ये बता दें कि उसके अलावा आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं, ताकि मैं एक दफा आपकी मतलब मुझे मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि जितनी जितनी आपकी जिस भी टॉपिक पे इन्फेक्शस पे ऑन्कोलॉजी पे इसके अलावा आपकी जो भी मॉड्यूल है तो मैं उनको ले लूँ.
तो बस ये बता दें कि कुछ बुक्स आपका था कि वो आने वाली अभी आई नहीं, तो ये थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं बताती हूँ, ठीक है। तो फूल बुक्स हैं, फूल बुक्स का रटा बहुत ज़रूरी है, और साथ ही प्रैक्टिस बुक्स का रटा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पिछले क्रैश कोर्स में एक क्वेश्चन था एचआईवी का, जिसने हम बहुत तंग किया हुआ था। उसकी की जो मैं बनाती थी वो और निकलती थी, और वो किसी एंड्री और नामी बुक से था, और जिससे वो निकलता था वो कुछ और निकल रहा था। और मुझे एंड्रयू पे ट्रस्ट भी है, अच्छी बुक है, लेकिन अब वो दिल भी नहीं मान रहा। ऑब्वियसली अंधे तो हम भी नहीं है। तो फाइनली आई चेक द एडिशन, वो गाइडलाइन एचआईवी की पुरानी थी, ठीक है। तो रेटा नहीं किया हमने, एक्चुअली वो बुक्स ही अपडेटेड नहीं हुई हुई ना, गाइडलाइन अपडेट हो जाती है। अब ये जो एमआरसीडी की बुक्स हैं, चाहे एंड्रयू है, मास्टर एंड्रयू, अपडेट नहीं होती। इनमें परसेंटेज के मसले हैं, रिकमेंडेशन के मसले हैं। तो इस पर ना दिल खफा क्या करें कि हमें सही नहीं पढ़ाया जा रहा। थिंग इज दैट कि गाइडलाइन भी तो चेंज हो रही है ना। अब 2 दिन पहले स्टीराइड की गाइडलाइन आ चुकी है नई, और उसमें सारी स्टीराइड देने की चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। रिकरेंट मिसकैरेज की गाइडलाइन आई है रिसेंटली, चेंज हो गया उसमें, ना प्रोजेस्टेरोन आ गया। लेकिन प्रोजेस्टेरोन कब आया है, पिछली हिस्ट्री है मिसकैरेज की, और अभी मिसकैरेज है, थ्रेटन तब देना है। तो अब जितनी बुक्स पिछली हैं उनमें तो कहा है कि कुछ नहीं देना, सपोर्टिव केयर। तो क्या बुक्स खराब है? नहीं, वो खराब नहीं है, एक्चुअली दे आर नॉट अपडेटेड। तो आप अगर किसी ऐसी ट्रस्ट वर्दी ऑर्गेनाइजेशन या टीम को ज्वाइन करते हो जो आपको अपडेट भी रखे कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपने ऐसा नहीं करना, जैसे एंटिटी अब 10 वीक्स पे आ गया, पहले 12 पे था, तो वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों की, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए भी, अपनी फैकल्टी पर ना नज़र रखनी चाहिए, चाहे पार्ट टू कर भी लो, ठीक है। जो चीज़ें रिसेंट चेंज हो रही हैं, यू मस्ट बी फेमिलियर विद दैम। तो इराटा हर चीज़ का बनेगा, हर चीज़ का, और इंशाल्लाह बनाएंगे। एंड इफ यू आर विद अस, चलें आगे चलते हैं। अच्छा, ये 3rd एडिशन है आईएमएम का, इसमें आईएमएम के सारे पास पेपर्स हैं, ऑब्वियसली इसका रेटा बनेगा। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि जिनकी की ठीक नहीं है। और मेरा बुक निकालने का मकसद ये नहीं होता कि मेरे स्टूडेंट्स की पर रटा मारे, मेरा बुक निकालने का मकसद ये होता है मेरे कुछ बच्चों को पता हो कि एग्जाम में ट्रेंड क्या है क्वेश्चन आने का और कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी मेंटर ये नहीं चाहता कि आप ब्लाइंडली कीज को फॉलो करें। दीज रिकॉल्स आर ओनली फॉर दिस कि आप इनको पढ़ें, आपको अंदाजा हो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एंड यू विल बी एबल टू मेक योर ओन की, ठीक है। वो मछलियाँ आपको कोई पकड़ पकड़ के दे और जो सिखा दे पकड़नी कैसे है, तो वो ज़्यादा बेहतर है, वो ज़्यादा अच्छा सिंसियर फ्रेंड है आपका। तो मछली पकड़ी पकड़ाई मछलियाँ नहीं खाएं फ्राई शुदा, खुद फ्राई करना सीखें। अच्छा, तो ये जो है ना आईएमएम के पास पेपर की बुक है, बट इसका रेटा अब आईएमएम के पास जो हमारा क्रैश कोर्स ले रहा होता है, तो ऑब्वियसली हम साइड बाई साइड क्वेश्चन ठीक करा रहे होते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने जानबूझ के गलतियाँ की हैं कि आप लोग क्रैश कोर्स लें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कौन चाहता है अपनी किताब में गलत की लगाए और अपनी, ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता जब कोई कहे कि इसमें गलत की है। तो ये प्रिंटिंग एरर होते हैं, और जब मैं ये 4th एडिशन निकालूंगी, मैं अपडेट करूंगी जितनी पॉसिबल कीज मैंने चेंज की है रिसेंट क्रैश कोर्स में, ठीक है। सिमिलरली ये स्पेशल एडिशन है 2021 की, ये पेपर देना बहुत ज़रूरी था बच्चों को जो अभी फैब में अपेयर हो रहे थे। तो मेरा मकसद ये था कि उनको क्वेश्चंस मिल जाएं, मेरा मकसद ये नहीं था कि उनको कीज मैं दूं। और मैंने ये पूरा स्पेशल एडिशन एक एक क्वेश्चन अपने क्रैश कोर्स में इसका सॉल्व कराया, रेटा करवाया। और मैं जब भी इसका मैं एडिशन अपग्रेड करूंगी, मैं ऐड भी करूंगी कीज, और फिर भी 2-4 गलतियां रह जाएंगी, ठीक है। तो आपने या आपकी थीरी अच्छी होनी चाहिए, और कोई भी रिकॉल बुक है, चाहे कोई प्रैक्टिस बुक है MRCUG की, आपने ब्लाइंडली किसी की नहीं फॉलो करनी। आपकी थियरी इतनी अच्छी हो कि यू कैन मेक योर ओन की, एंड यू कैन चैलेंज योर टीचर कि मैम ये तो गलत है, ठीक है। और मुझे तो वो स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे लगते हैं जो मेरी मिस्टेक्स बताते हैं, और आप एक दफा मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ऐसा करने से एक दफा आप अच्छे बन जाते हो, फिर बार बार अगर एक दफा मिस्टेक आइडेंटिफाई हो जाए तो आपकी बार बार की जो है ना गलतियां नहीं होती। एक मिनट, ठीक है। तो ये CPSP पूल है, और जो FCPS का बच्चा है ना वो IMM के भी पास पेपर करेगा, वो FCPS के भी करेगा, और वो MCPS के भी करेगा, और जो MS का बच्चा है वो भी ये सारे करेगा। और जो MCPS कर रहा है ना वो FCPS छोड़ दे,
अगर वो एवरेज स्टूडेंट है, बट वो आईएमएम जरूर करेगा, ठीक है। तो ये मेरी आप लोगों से एक सिंसियर एडवाइस है। और ये जो है ना टॉक्स के लिए हैं, दो एडिशंस, अभी जो टॉक्स का पैटर्न भी चेंज हो गया उसके लिए तो ये एक्सीलेंट है। जिन्होंने पढ़ी होंगी वो उनको समझ आ गई होगी। और वाइवा के लिए है ये शॉर्ट केसेस के लिए, दिस इज द एक्सीलेंट बुक। गायनी की अगर ये बुक आपके पास है तो आपका गायनी का कोई शॉर्ट केस नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ना हो। समरी बुक आपने पूछा इन्फेक्शन की, इसमें इन्फेक्शन ऑन्कोलॉजी दोनों ही ऐड है। दूसरी ये है, इसको बुक फॉर्म में मैंने अभी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करना था, इसलिए इसमें मेडिकल डिसऑर्डर, अर्ली प्रेगनेंसी, सर्जरीज और यूरोगाइनी इसमें है। और कुछ बुक्स भी और भी हैं, मैं क्रैश, ये जो आपको स्मार्ट कार्ड्स मिल रहे हैं ना, इनकी मैं बुक बना रही हूँ विद टॉपिक वाइज रिकॉर्ड्स। अल्लाह करे आप लोगों के पेपर से पहले आ जाए, फिर आपको ये शिकवा नहीं देगा। मैडम अभी निकाल दें, मैं इंसान हूँ ना, मैं तुम लोगों को पूरे 3 महीने पढ़ाऊंगी, कार्ड्स बनाऊंगी तो बुक बनेगी ना। मैं डेली कार्ड बनाती हूँ, आज मैंने पता है आई वाज सपोज टू मेक रुबेला कार्ड्स, शाम को बना लूंगी फिर वो आ जाएंगे। बट मैंने टोक्सो के बनाए हैं और अभी सीएमबी के बनाए हैं, अभी आपको पढ़ाती भी हूँ। जी जी मैडम, ये दोनों बुक्स, सेकंड आप कह रही हैं कि आपने इसको कंपाइल नहीं किया, ये दोनों अगर हम ऑनलाइन कॉन्टेक्ट नंबर उनसे कॉन्टेक्ट करें तो ये दोनों मिल जाएंगी, क्योंकि बुक शॉप्स पे अवेलेबल नहीं है ये? नहीं नहीं मिल जाएंगे। ओके ओके, पर मैम जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें तो अभी फिर अपनी थ्योरी वो करनी है ना, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना। जी जी, उनके लिए सजेशन ये है कि थ्योरी पे ही फोकस करें और टॉपिक वाइज रिकॉल्स करें। जी जी ठीक है। और अगर आपने कोई पास पेपर की बुक ऑब्वियसली साइड बाय साइड पढ़नी भी है, जो कि पढ़नी भी चाहिए, तो ये हैं वो बुक्स पास पेपर्स की ना, सॉरी ये एफसीपीएस के पास पेपर्स की और ये एमसीपीएस की और इससे पहले है आईएमएम की, ये 3 बल्कि ये 4 स्पेशल एडिशन में सारे 2021 के पेपर हैं। अब 2021 के पेपर इसलिए मैंने अलग से बुक निकाली कि थर्ड एडिशन में 2021 के पेपर नहीं थे। अब हर बुक में लगाऊं और बच्चों को हर बुक नहीं लेनी पड़े और उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं थी, तो मैंने जो नए पेपर थे सारे एक ही बुक में डाल दिए। तो आपको अपनी पुरानी बुक चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सॉरी बेटा, क्वार्टर 2 कैसे? क्वार्टर 2 तो तब होगा जब 15 होता होगा इधर, इसका मतलब मैं अपने बच्चों को कभी मैथ नहीं पढ़ा पाई हुदा तुम्हें तो क्वार्टर 2 आता है। चलो, तो जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं या जो अभी ओरिएंटेशन सेशन ले रहे हैं, दे विल मेक देयर माइंड, दे कैन कॉन्टेक्ट अस हियर 0301-484-3695। और ये है आप लोगों के लिए थैंक यू। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। जी, मैंने ये पूछना था कि जैसे मेरे पास आपकी आईएमएम की बुक नहीं है पिछली या कोई एमसीपीएस की बुक नहीं, तो आप जब ये बुक में आप आईएमएम और एमसीपीएस कराएंगी तो उन्हीं में से पेपर आप पोस्ट करके कराएंगी या हमें बुक अलहदा से लेनी पड़ेगी? बुक तो लेनी पड़ेगी, हार्ड कॉपी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू यू नो सॉफ्ट कॉपीज या स्क्रीन शॉट्स। हमेशा मेरी स्टूडेंट्स के साथ यही होती है कि यार हार्ड कॉपी हो, हार्ड कॉपी आपकी अपनी लाइब्रेरी होती है, उस पे आपकी हैंडराइटिंग होती है, छोटे-छोटे नोट्स होते हैं। डॉक्टर हेरा, मैं तो लंदन में बैठी हुई हूँ तो मैं कैसे लूँ आपकी बुक्स? हम लंदन भिजवा देंगे, क्या हो गया? नहीं सीरियसली, साउथ अफ्रीका भेज रही हूँ, साउथ अफ्रीका, सऊदीया मैं भेज रही हूँ, यूके। अच्छा, भेज रही है, तो उसके लिए कॉन्टेक्ट करने का क्या तरीका है? यही जो नंबर अभी दिखाया था, 030। प्लीज दिखा दें वापस। नबीरा नाम है इनका, बुक्स को डील करती हैं और कोर्सेज को। मैं सोचती हूँ कि मैं सिर्फ स्पेयर हूँ पीपीटीज बनाने में और लेक्चर देने में। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं टॉक्सोप्लास्मोसिस। Just take a minute.
मैं ये सोच रही थी कि ब्रेक ले लेते हैं नमाज की, ठीक है, 5-6 मिनट के बाद हम ये टॉक स्टार्ट करते हैं, बहुत छोटा सा, जल्दी हो जाएगा, नो वरीज। तो डॉक्टर हीरा, कल और परसों आपने क्या पढ़ाया है? कुछ नहीं पढ़ाया, इन्फेक्शन वो तो रिविजन है ना, आज हम पहला दिन है हमारे इन्फेक्शन का, आज हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस और सीएमवी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और कल हम करेंगे वेरिसिल्ला, और वो ये वेरिसिल्ला ऑब्वियसली हर्पीस है ना, तो हर्पीस की इन्फेक्शन दोनों, सिंप्लेक्स और चिकन पॉक्स, ठीक है, और परसों हम करेंगे सिफिलिस और रुबेला, और फिर हम इन सबको करेंगे कंपेयर विद B19। बिल्कुल MCPS की तरह 200 क्वेश्चंस हैं, हर पेपर में 100-100 है, मतलब पेपर वन में 100 है, फिर 2-1.5 घंटे की ब्रेक है, और फिर अगेन 100 क्वेश्चंस हैं, सारे SBAs हैं, कोई शॉर्ट एसेज नहीं है। थैंक्स मैम। ओके चले, मैं फिर आती हूँ नमाज के बाद, आप भी पढ़ लें, चाय शाय पी लें। ओके चलिए क्विकली जो है टॉक्स कर लेते हैं, और ये छोटी सी एक अनाउंसमेंट है कि MRCG 1 का मेडहोम का जो सेकंड कोर्स है, फर्स्ट कोर्स हुआ था लास्ट ईयर, ये सेकंड बैच है, ये स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम मार्च, कल इसका जो है ओरिएंटेशन सेशन है, तो अगर आपका कोई भी जूनियर सीनियर अपेयरिंग इन MRCG 1 इन जुलाई और इन जनवरी, तो यू कैन फॉरवर्ड दिस फ्लायर टू हर, और 15 वीक्स की ये वर्कशॉप है फॉर जुलाई एंड जनवरी एग्जाम, ठीक है, इस वीक से हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि जो आपके FCPS या MCPS का एग्जाम है ना, टोटली हो तो ये MRCG बेस पे गया है, तो जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो फॉर FCPS MCPS, तो उसी तैयारी में थोड़ी सी मजीद ट्यूनिंग के साथ आप MRCG भी कर सकते हो, तो आप इनको ना ट्विन एग्जाम ही समझें, अब जो अच्छी चीजें तब्दीली आ रही हैं आपके एग्जाम में, तो यू कैन डू दिस, और लेट्स स्टार्ट आवर। मैम जी, जी मैम, वो अपने कार्ड्स वाले ग्रुप में है, वो HMB और फाइब्रॉइड के कार्ड्स ऐड किए हैं? जी बिल्कुल, आप देखिएगा आपको मिल जाएंगे। ओके मैम, थैंक यू। सो वी आर डेली ऐड हो रही, मेरा कोई मसला चल रहा है? जितने मसले हैं ना वो मुझे सेशन के फौरन बाद ही मैसेज करें, मैं सॉल्व करती हूं, ठीक है, बट फौरन बाद ही करना है, ठीक है। ओके ओके। अच्छा वैसे मेरे जहन में आया, आप जब कहते हो कि भाई टोक्सो हुआ है, कोई इन्फेक्शन हुआ है, एक मिनट, तो आप कहते हो पेयर्ड सैंपल से देख लें, पेयर्ड सैंपल्स क्या होते हैं, मतलब रुबेला को देखना है तो बुकिंग का सैंपल देख लें, क्या रुबेला यूनिवर्सल है, बुकिंग पे सबकी होनी चाहिए? क्या कॉन्सेप्ट है इसका कि हर जो इन्फेक्शन है स्पेसिफिकली टॉर्च का, उसको कंपेयर करना है बुकिंग वाले के साथ? Who will tell me? इससे तो ये हुआ ना कि टॉर्च एक यूनिवर्सल टेस्ट है, बुकिंग पे सबको होना चाहिए, तो इसलिए बुकिंग वाले से मेजर कर रहे हैं, और अगर है तो क्या टॉर्च सारा टॉर्च यूनिवर्सल है? पूरे टॉर्च में सिर्फ सिफिलिस यूनिवर्सल है ना, जो सबका होता है, बाकी तो नहीं होता ना, वो सिर्फ सेव करके रखते हैं सीरम को, ताकि अगर जरूरत पड़े लेटर ऑन कोई एनोमली आए, एनोमली स्कैन पे या मदर में सिम्टम्स आए, तो यू कैन जस्ट कंपेयर कि बुकिंग पे क्या हालात थे, मतलब बुकिंग पे एक इन्फेक्शन नहीं है, रुबेला नेगेटिव और प्रेगनेंसी में पॉजिटिव है, तो फिर प्राइमरी इन्फेक्शन है ना, CMV बुकिंग पे नहीं है, अब हो गया है तो प्राइमरी है, ठीक है, टोक्सो जो है नेगेटिव है बुकिंग पे, अब हो गया है तो प्राइमरी है, इसलिए बुकिंग पे कुछ यूनिट्स या हॉस्पिटल्स सीरम को जस्ट सेव करके रख लेते हैं, इफ इंडिकेटेड वो क्या करते हैं, वो फिर उस पर एंटीबॉडीज देखते हैं, लेकिन इफ इंडिकेटेड,
लेकिन सीरम पहले होता है उनके पास, सीरम बैंक्स होते हैं। जैसा लेट्स सपोज आप किसी ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी करने जा रहे हैं और सरप्राइजिंगली जब आपने सर्जरी की तो आपको लगा कि ये तो भाई मेलिग्नेंसी है, ठीक है, आप एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे डेवलपिंग मेलिग्नेंसी है, या जर्म सेल्स के जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े मैसेज नहीं होते, आपको लगता यही है कि चलो यंग एज है तो लाइकली बेनाइन होगी, बट अंदर से मेलिग्नेंट निकल आई। तो इन सिचुएशंस में भी बिफोर डूइंग सर्जरी यू शुड सेव द सीरम, आप ब्लड सेव कर लें, क्योंकि आपने सर्जरी कर ली तो फिर तो वो स्पिलिड हो गई ना, तोड़ फोड़ मच गई और तो ट्यूमर मार्कर ज्यादा आ गई, वो तो रिलायबल नहीं है जो अब भेजोगे। अगर पहले भेजे हुए हैं, पहले से ब्लड आपके हैंड में है, तो ड्यूरिंग सर्जरी आपने सिर्फ ये कहना है कि भाई इसका जो सेव किया हुआ है ना ब्लड, इसके ट्यूमर मार्कर्स भेज दें, ठीक है, क्योंकि जो प्रायर टू सर्जरी ट्यूमर मार्कर्स हैं आपने सर्जरी कर ली, ठीक है, तो यू कैन कंपेयर के ट्यूमर बर्डन कितना कम हुआ है, और फर्दर आपके पास एक बेस लाइन आ जाएगा कि ये डिक्लाइनिंग है या राइजिंग है। ये मैं क्लिनिकल टिप दे रही हूँ, ये थीरी में कहीं इसकी एप्लीकेशन नहीं है, ये सिर्फ आप सोचते रह जाते हो कि भाई ये हो क्या रहा है ना, तो उसके ही आंसर्स हैं, या शायद मैं ही ज्यादा सोचती थी तो मैंने खुद ही सोचा और खुद ही आंसर कर दिया। चलें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, सोचा करें, वैसे सोचने की ना हैबिट अच्छी होती है। अभी मुझे मेरी एक कैंडिडेट थी, उसने कहा कि मुझसे ना एग्जामिनर ने कहा कि FSH क्यों करवाया PCO में, तो मैंने बोला कि FSH तो कराना है ना, तो एग्जामिनर ने कहा भाई FSH क्यों कराना है, उसने कहा मैडम हमने FSH LH रेशियो देखनी है इसलिए कराना है, तो उसने कहा PCO का तो डायग्नोसिस रेशियो पे है ही नहीं, आपने तो बोला है कि ये तो रोटाडम में उसमें तो नहीं FSH, देन व्हाई यू आर आस्किंग FSH, तो कोई आंसर नहीं। सोचें फिर, तो दैट वाज सिंपल कि भाई FSH ही तो वो बेसिक टेस्ट है, क्योंकि PCO में होनी तो एनोवुलेशन है, ओलिगोमेनोरिया प्रोलॉन्ग साइकिल होते हैं, तो प्रोलॉन्ग साइकिल किस टाइप की एनोवुलेशन की वजह से है, टाइप 1 है, टाइप 2 है या टाइप 3 है, तो FSH ही बताएगा ना, मतलब FSH अगर राइजिंग है तो ये टाइप 3 है, FSH अगर नॉर्मल है तो ये टाइप 2 है, लाइकली PCO थायराइड निकलेगा, अगर ये कम है तो टाइप 1 है ना, कैलमेन हाइपो, तो सोचा करें, अगर सोचोगे तो फिर आप, जब एक चीज का कोई मसला ही नहीं होगा तो फिर सॉल्व क्या करोगे उसको, ठीक है।